पूरे प्रदेश में डेंगू एक बार फिर बेकाबू होता नजर आ रहा है। वहीं राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो यहां रोजाना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को डेंगू के 25 नए मरीज सामने आए। वहीं दूसरी तरफ डेंगू के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में एंटी लार्वा छिड़काव और जागरूकता अभियान चलाया। प्रदेश में डेंगू की स्थिति पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने भी अपना बयान जारी किया है। डेंगू को लेकर कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। हम लगातार सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं। अस्पतालों में दवाइयां, ब्लड और बेड्स उपलब्ध हैं। और जो हमारे 13 विभाग है, नगर विकास, ग्राम विकास, पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, ऐसे 13 विभागों को समन्वय बना करके हम लोग संचारी रोग अभियान चलाते हैं, जिससे मच्छर जनित रोग पनपने न पाए। और आप सबसे भी मैं के माध्यम से अपील करता हूं प्रदेश के सब लोगों से कि आसपास जल भराव न होने दें, मच्छरों को न पनपने दें। जहां भी ऐसी स्थिति दिखे, खाली पड़े पड़े बर्तन, कूलर, खिलौने, नारियल के खोखले, छत ऊपर, बालकनी, नाली, हर जगह सफाई रखें, जिससे मच्छर जनित रोग न पनपे। और सरकार इस दिशा में लगातार देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।